पहले तुम आ जाइए, आइए। हाँ माइक लीजिए, नजदीक आइए, बहुत नजदीक आइए। यहाँ हाओ मोने कौन सींगा लगे, और नजदीक आओ। कहाँ से आना हुआ? जो माइक तेज करो भैया, अब बोलो। हेलो बोलो माइक। हाँ हेलो। हाँ अब बोलो। वैसे मकान तो नसीरपुर में है सर, वो उरई में भी मकान है, वहाँ उरई रहते हैं, घर पे भी माता पिता रहते। पहली बार आए? नहीं हम पांचवी बार आए। वाह। किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं नहीं किसी को। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे हो? जी। कितने तक? 12 तक पढ़े था। वाह। हम आए लेवल के हो। हमने लिख लिया। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। अच्छा पिताजी का क्या नाम? श्री धर्म सिंह सर। पूछो। हमारे भाभी खत्म हो गई थी पहले, उनका कुछ पता नहीं चला क्यों खत्म हो गई, बच्चा होने को था। और इसके बाद भैया हमारे खत्म हो गए, अभी 4-5 महीने जैसे हो गए। और घर में उरई में मकान है जो उसमें समस्या बनी है। और क्या नाम हमारे बच्चे, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने कोई विषय बताया? नहीं किसी को नहीं बताया। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। पढ़िए। परेशान है, घर में बहुत उपद्रव मचा, 3 प्रश्न लेकर आए हैं, कृपा होगी घर पर प्रश्न लेकर आए हैं, बढ़ोतरी होगी, संतान की अर्जी है। 3 अकाल मौतें घर पर हो गई हैं। तीन माइक नजदीक करिए। जी जी। 3 अकाल मौतें आपके घर पर हो गई हैं। आपके पिता का नाम धर्म सिंह है, भाभी की मृत्यु ब्लड की दिक्कत के कारण व श्वास रुकने के कारण हुई है। घर पर तंत्र विद्या का प्रभाव है, भाई को हार्ट में दिक्कत बनी थी जिस कारण से हार्ट समस्या से उनको भी, उनके भी प्राण निकले हैं, शरीर नीला पड़ गया था। आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। 2026 9 नवंबर को पुत्र योग बनेगा। आशीर्वाद। जय गुरुदेव भगवान की जय। सत्या जी बोला। जी जी एकदम सही, एकदम सही बोला। कोई संदेह? नहीं नहीं पहले से तो नहीं बताया? नहीं किसी को नहीं बताया। तो तुम्हारे हम 2 मकान बता रहे हैं। एक नसीरपुर है, वो मतलब गांव में रहते थे पहले, अभी 1 साल जैसा हो गया। सन्यासी बाबा की जय। सदगुरु देव भगवान की, बालाजी सरकार की। माइक लीजिए। जी हमको तो ये घर से चले थे तभी लग रहा था कि हमारी पहली अर्जी लग जाएगी। वाह ऐसा तुम्हें लग रहा था? लग रहा था, अभी सुबह जब वहां से आए इधर पे तब भी ऐसा ही लग रहा था कि हमारी पहली अर्जी लगेगी। 2 बातें हैं, आपने बंधन बहुत करवाया है, बंदेज करवाया है। हाँ। पूर्व में आपको जिन बाधा आदि शक्ति का प्रयोग बताया गया इस पर आपके घर पर अघोरिक विद्या है जिसने सबको पकड़ रखा। पत्नी के पेट में दिक्कत बनी हुई है, पेट में असहनीय दर्द होता है, आपके भी सिर में दर्द होता है। राम सजीवन नाम के पितर आपके परदादा पितृ रूप में भी घूम रहे हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं। आज से ही बंधन होगा और दी हुई तारीख पर संतति होगी। पेशी करने से आपने एक बार ऐसी अर्जी लगाई थी कि आपके भाई ही पुनर्जन्म आपके घर में ले लें, ऐसी अर्जी आपने बालाजी के पास लगाई। जी लगाई थी सरकार, लगाई थी। तो आपके पुत्र होगा 2026 9 नवंबर के पूर्ववत होगा और उनके मस्तक पर दाएं आंख के ऊपर दाग होगा और वो भाई ही पुनर्जन्म में आएंगे। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की जय। सीताराम भगवान की जय। हमने इसमें पहले तो ये पढ़ो, ये मंत्र है, बड़ा है। ओम, माइक से नहीं पढ़ना है, ये बाद में नमः लिखा है, ये बड़ा है लेकिन 5 माला करनी है क्योंकि यही मंत्र लीला करेगा
और सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी आशीर्वाद। हाँ तुम्हारी भी हम जांच बता देते हैं, अब हम पढ़ेंगे नहीं, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। आप ये पढ़ लो अगर पढ़े लिखे हो। बिल्कुल यही है, ये गुप्त है। हाँ। यही है, यही है। हाँ भाई साहब, हमारा भाई भाई बहुत तेज चला, कर जाओ। उपद्रवी भी हो तुम, धुआं धक्कड़ कम, भोले बाबा बन के रेलगाड़ी चलाते हो। जो और सुनो ऊपर से, आप कम करियो, नहीं तो हार्ट में दिक्कत हो जाए। आओ चिलम तमाखू को डब्बा बब्बा। चलो सीताराम साधु जी, इसके बाद हमने अर्जी दूसरी लगाई थी मुकेश के बाद मनीष। मनीष नाम की अर्जी पंडाल के मध्य में टी शर्ट पहने वाली है, चित्र वाली, और हमारो चित्र हुई है, हमारा चित्र होगा। लियो एक मिनट, एक मिनट, खड़ो होके बताते हैं। चित्र है, हम आओ है मुगदल ने वालों, आओ तो तें आए, आ जा राम। साधु जी तीसरी अर्जी डी में, डी के पीछे में माताजी मोहिनी, मोहिनी नाम की माताजी विराजमान है डी के पीछे में। आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाएं। चौथा अर्जी डी के अंदर, ये है डी संतों के बगल में, एक जन हमारी माताजी और हम दोनों बगल में बैठे, ऐसा चित्र लिए बैठी हैं, फोटो लिए बैठी हैं, वो आ जाएं। आगे बढ़ते हैं, है ऐसे चित्र ले कोई हमारी माताजी का और हमारा, पहले दिखाइए। इसके बाद और आगे बढ़, हां पहले इतना हो जाने दीजिए, आइए जल्दी आइए। बब्बा सीताराम साधु जी, साधु जी उठिए भैया, माइक लीजिए। वैसे तो तुम टी शर्ट पहने तो लोग ये कह देंगे कि इन्हीं के सेवादार होंगे, इस तरफ आओ, क्योंकि लोग हैं उनको तो कुतर्क करना है, लेकिन हम इनको जानते ही नहीं। काहे भैया तो हमसे मिलो है पहले, माइक ले। हाँ एक बार नहीं, पाप को भागीदार बने अगर झूठ बोले, सारे प्लास्टिक के कीड़ा पर है। कहाँ को है? हरपालपुर के है, अमागांव। हाँ अब वो तो तोरी अर्जी आ गई, अब गुरु जी की आज्ञा टालने नहीं पड़ा। चलो पूछो, तुम पहली बार आना हुआ है? 11 बार आ चुके। आ जहां पे तुम जाते मैं वहां पे जाते। का है, गठबंधन है का? कहां कहां गए? छत्तीसगढ़ हुआ है, रायपुर गए थे ना। हाँ। नागपुर, अशोकनगर, दमोह, मिले नहीं है आज। तो मैं भरोसा तो कि हम मिले? बिल्कुल, ये देख लो, जो कहते हैं कि गुरुजी मिलते नहीं है। जय सियाराम। पूछो अपना प्रश्न पूछो। क्या जी, माइक से नहीं बोल रहे, माइक धार दो। हाँ ये भी विषय, देखो हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, अगर कोई भी बात गुप्त है वो आप बिना माइक के भी बोल सकते हो। पूछो। हाँ हाँ देख लो, हम ऐसा माने कि चार प्रश्न है। बोलो, हम ना माइक से बोले भैया, रुक जा, हाँ तुम मत। अच्छा ठीक,
लब्बे बाहर चौबीस आशीर्वाद खुश रहे। चलो जी भीमा रहते हैं।